न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। 7 वर्ष के बाद हुए त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय चुनाव के प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में सत्ताधारी पार्टी को जोर का झटका लगा है। इन हुए चुनावों में कई दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी है। खास बात करें तो सेमरिया विधानसभा क्षेत्र की, जहां के विधायक के पितृपाठी अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं और अपने उल जुलूल भाषण और कारनामों के चलते मीडिया की सुर्खियां बनते रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज के तृतीय चरण के हुए चुनाव में विधायक का कोरा विकास और इनके कारनामों से त्रस्त जनता ने अपना मत देकर करारा जवाब दिया है। वार्ड क्रमांक 6 से विजयी हुए जिला पंचायत सदस्य योगेंद्र सिंह ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी कृष्ण कुमार द्विवेदी उर्फ लाला बड़गैया को 300 मतों से पराजित किया। भाजपा को मिली करारी हार के बाद जहां कांग्रेसी उत्साहित है, तो वहीं भाजपा के खेमे में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि सभी चुनावी हथकंडे अपनाने के बाद भी मिली शिकस्त ने यह साबित कर दिया कि क्षेत्र की जनता ऊब चुकी है। आपको ये भी बताते चले कि विधायक के कई रिश्तेदार और चंगू मंगू भी चारों खाने चिट हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं वार्ड क्रमांक 6 से विजयी प्रत्याशी योगेंद्र सिंह के विजय जुलूस को, जो गृह ग्राम से होते हुए बसामन मामा पहुंचा और सिद्ध देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। और फिर आपको सुनाएंगे विजयी प्रत्याशी ने क्या कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 6 से जिला सदस्य के रूप में आपको चुना गया है जी, उसके बारे में क्या कहना था? ये वार्ड क्रमांक 6 जिला पंचायत सदस्य के रूप में हम अभी निर्वाचित हुए हैं। कल मतदान हुआ और मतगणना हुई और सारी वार्डों की काउंटिंग करके देखा गया कि हम 300 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। ये जिला पंचायत का चुनाव जो है त्रिस्तरीय पंचायत 1994 से लागू है। त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। हमने ग्राम पंचायत में भी काम किया सरपंच के रूप में, जनपद पंचायत के रूप में भी हमने सदस्य के रूप में काम किया और हमारे काम के ही आधार पर 6 नंबर वार्ड से, जबकि हमारा गृह ग्राम 5 नंबर में है, तो हमारे कार्य को देखते हुए आम पब्लिक प्रभावित हुई और 6 नंबर वार्ड से उन्होंने हमें चुना। गरीबों के जो शासकीय योजनाएं आती हैं उनको गरीबों तक पहुंचाना, उनको बताना और जितना हो सके उन गरीबों को योजनाओं से लाभ दिलाना। यहाँ ऐसे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो माफिया हैं, गुंडा हैं, शहर में रहेंगे और इन बेचारे गरीबों को लूटने के लिए गांव में आकर के चुनाव लड़ेंगे और फिर भाग जाएंगे शहर। जब चुनाव आता है उसी समय दिखते हैं और बाकी जनता के बीच में कभी नहीं दिखते। योजनाओं से उनको क्या मतलब है? जो शासन की योजनाएं आती हैं उनको लोगों को बताने से उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि योजना बताएंगे लोग लाभान्वित होंगे, तो जब वो समझदार हो जाएंगे ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे, इसलिए वो योजनाओं को कभी बताते नहीं। आपके क्षेत्र में विधायक का क्या योगदान था? आपके क्षेत्र में विधायक का क्या योगदान था? अब विधायक का योगदान जो है वो विधायक जाने और आम जनता जाने, हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे जो आपके प्रतिद्वंदी हैं तो विधायक के समर्थित थे? हाँ, इसमें तो समर्थित बीजेपी से कोई था नहीं, ना कोई कांग्रेस से था। अब अंदरूनी करते रहे होंगे मदद, इससे तो अपने को
ज़्यादा वो नहीं है, करेंगे होंगे निश्चित, जिनका जो समर्थक है वो करता है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, किसी के समर्थन से किसी के कहने से जनता वोट देने वाली नहीं, जनता स्वयं निर्णय करती है कि हम किसको चुनें, जो काम करने वाला हो, जनता के बीच में रहे, जनता के सुख दुख में सहभागी हो, उसको चुनाव कर।